श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 54 लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। वृंदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका धन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दे दीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्यायसंगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वो महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदष्ट शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बुमली और सुमली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, ऋष्वकर्ण, दनष्ट, राक्षसरोमश, रणोन्मत मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक विद्युग्जीव, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोनिताश, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा निकुंभ, यज्ञशत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाए। 12-15 उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंज पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्निदेवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा
जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने, चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकोपुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकोपुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी, वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्ग लोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। समूची लंकोपुरी को अपनी लपटों में लपेट कर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़कों भी मात करते थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टैसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था, वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंगवाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। प्राणियों के समुदाय, ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकोपुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है? वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा मन से तो कोई नहीं है? यह वानर नहीं साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है? अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है? 35-38 इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनस्वी हनुमान ने लंकोपुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मार कर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकोपुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान, महाबलवान, वायु के समान वेगवान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिव, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी।
महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़कर, युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकोपुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत होते पुंज से दे दीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकोपुरी को पीरा दे वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाए। तत्पश्चात लंकोपुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख ये कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे।